नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान की विवादों में आई लाल डायरी में क्या लिखा है, इस बात का खुलासा हो गया है। यह खुलासा राजस्थान के बर्खास्त मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र गोरा ने किया है। उन्होंने लाल डायरी पढ़कर सुनाई और दिखाई भी। इस डायरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी सौभाग्य सिंह, पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के बीच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में लेन देन की बातचीत का जिक्र है। सीएम के बेटे वैभव गहलोत ही अभी आरसीए के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र गोरा ने पिछले महीने विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर कहा था कि ये स्वीकार करना चाहिए, ये सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए हैं। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं, मणिपुर की चिंता करने की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसी बयान के बाद उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था।